हाय एवरीवन वन क्या चल कैसे आप लोग उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे बहुत स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में काफी दिनों बाद वीडियोस आ रही है देखो कुछ लाइफ में सरकमस्टांसिस होते हैं जहाँ पे इंसान वहाँ पे बिजी हो जाता है तो रेगुलरली वीडियोस अभी नहीं आ पा रहे हैं आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट बट्स ए बॉर्थ इन दिस वीडियो द टू इंपॉर्टेंट न्यूज़ which is uh, regarding beard and amit so first thing is that the exam date has been exceeded for the bs secondary students those who are still have, uh, haven't filled the form they can easily fill the form till 12th of this month and the second news is about the first year the first exam form is also has been started so those who are in the first year they can also fill the form so let's talk about one by one and uh, we'll also discuss how to prepare and cast a video and what's our strategy for this एग्जाम आई विल टेल यूच एंड एवरी पॉइंट बट हियर लेट्स द टू इंपॉर्टेंट न्यूज द फर्स्ट वन अबाउट सेकेंड ईयर कि आपके सेकेंडरी ईर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बारह तक इट्स लास्ट चांस एंडलीफ यून फिल दम येट इट्स लास्ट चांस फॉर यू अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप लोग जनरली uh, ये न्यूज तो आप सबने पढ़ा होगा बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में कोई ऐसा है जिसको एग्जाम फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई सेकेंड ईयर का कोई ऐसा बच्चा है जो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहा है या फर्स्ट ईयर का कोई ऐसा बच्चा जो तो अगर ऐसी बात हो तो आप मुझे बता दीजिए तो दोस्तों अभी हम अवध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और आप देखोगे ऊपर आप लिख रहा है कि छात्र हित में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए बी एड द्वितीय वर्ष के छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म को क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया है सो so, उस पी डी एफ कर लेते हैं सो दिस इज़ अ न्यूज़ अभी थोड़े दिन दो दिन पहले आ चुकी थी और इसका बच्चों ने फोटो इस ग्रुप में भेज दिया था हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो देखिए यही वो न्यूज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने फॉर्म भर लिया होगा मगर तो फिर भी जिन्होंने नहीं भरा हो वो एक बार निश्चिंत हो सकते हैं उनके लिए तो ये अच्छी न्यूज है ही कि फॉर्म आप 12 तक भर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसी क्या कारण है किस कारण की वजह से वॉट द रीजन दैट यू आर द फॉर्म एट सोच तो एटस सो संबंधित को सूची आज किया जाता है कि बी एड एम एड द्वितय वर्ष दो हज़ार के परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म हाँ जी छात्र हित में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दस सात से ग्यारह सात तक भरे जाएंगे यानी कि ग्यारह सात तक भरे जाएंगे ठीक मतलब ग्यारह तक नॉट 12 बारह बारह तक क्या है भाई वेरिफिकेशन करने के लिए लास्ट डेट है महाविद्यालय का यानी कि ग्यारह का लास्ट डेट है तो अगर आप में से कोई बचा है तो आप प्लीज़ इसको फॉर्म भर लीजिएगा नहीं बच नहीं भर पा रहे तो बताइए क्या मसला है ठीक है जैसे एक बच्चे ने कहा था कि उनका स्कूल का फीस नहीं जमा मतलब उनके कॉलेज का फीस नहीं जमा है तो कॉलेज वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म भर के पीडीएफ दोगे मुझे मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा क्योंकि आपका फ़ीस बाकी है तो भाई ये तो जनरल जेनविन कंसर्न है कि आपको फीस जमा करना है अब इसमें ना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ना यूनिवर्सिटी हेल्प कर सकता क्योंकि भाई कॉलेज अब मान लो एग्जाम का आपका सेशन पूरा होने वाला है तो फ़ीस तो आपको जमा करना ही है हालांकि कॉलेज को ऐसा नहीं करना चाहिए बट कॉलेज कर भी सकता है क्योंकि अब फीस तो जमा करना ही है तो ये एक कंसर्न था तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बाकी अगर कोई और चीज़ है तो लतवीन नो हाँ जी तो 11 तक आप फॉर्म भर सकते हैं आई मीन द टमारो इज़ द लास्ट डे और 12 तक विश्वविद्यालय इसको वेरीफाई करेगा और 13 तक क्या करना है भाई सारी जो भी ऑफिशियल काम होना है वो पूरी कर दी जाएगी और इसके लिए स्टूडेंट सेल्फ क्या हो गया रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये तो वो पहली न्यूज़ थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो दूसरा क्या न्यूज़ था दूसरा न्यूज़ था दोस्तों की आपका बी एड फर्स्ट ईयर दोस्तों बी एड फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे आ गया बी एड फर्स्ट ईयर और एम एड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भराया जा रहा है अब यहाँ से देख लेते हैं बी एड फर्स्ट ईयर और एम एड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में जो नोटिस आई है अब यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होगी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा बी एड फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ये लोग एक साथ कराएंगे या अलग अलग कराएंगे क्योंकि सेकेंड ईयर का फॉर्म पहले फ़िल करा रहे हैं फर्स्ट ईयर का फॉर्म बाद में फिल करा रहे हैं और एक और बात है हो सकता है फर्स्ट ईयर का भी डेट फिर से एक बार लास्ट चांस दिया जाए जो कि अक्सर होता है बच्चों को दिया जाता है तो मुझे मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि सेकेंड ईयर का इंडिविजुअल एग्जाम ये लोग करा लेंगे फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें तो बी एड और एम एड प्रथम वर्ष को सूचित किया जाता है ये क्या हो गया हाँ जी ये कभी कभी काम नहीं करता है दोस्ती की तरह दोस्ती भी कभी कभी काम नहीं करती है हाँ जी तो सूचित किया जाता है कि चौबीस पे परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन परीक्षा शुल्क आठ सात से चौदह तक भर जाएंगे छः दिन का टाइम दिया गया देख लेना शायद ये लोग बढ़ा दें हालांकि आप बढ़ाने का वेट मत करना आप प्लीज़ फॉर्म भर लेना संबंधित छात्र छात्राओं को परीक्षा आवेदन के प्रति एक प्रति दिनांक पंद्रह तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे तत्संबंधित सम्बन्धित संस्थाओं से संस्थाओं से की जाती है कि इनका विगे वेरिफिकेशन सोलह तक करके सत्यापित सूची 18 को भेज देंगे कहने का मतलब दोस्तों विश्वविद्यालय आपसे ये कह रहा है कि आठ से लेकर चौदह तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है आप भर लीजिए पंद्रह से पहले आप क्या करिए कॉलेज में जमा कर दीजिए और कॉलेज में जैसे ही आप जमा करेंगे कॉलेज को कहा जा रहा है कि भाई आप सोलह तक वेरीफाई कर लीजिए और अट्ठारह तक किसी भी हाल में जो भी आपकी स्टूडेंट की लिस्ट है वो कॉलेज वो यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए फिर यूनिवर्सिटी वहाँ से क्या करेगी एडमिट कार्ड और जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से जारी करेगी अब दो बातें हम यहाँ पर समझ लेते हैं जस्ट एक मिनट हाँ जी तो उन दो बातों में पहली बात तो ये है कि आ, लास्ट बारह तक आपका सेकेंड ईयर का लास्ट डेट है अगर आपको कोई मसला है कोई इशूज़ है कोई परेशानी है कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में जस्ट लेट मी नो। दूसरी बात दोस्तों कि सेकेंड ईयर का भी फर्स्ट ईयर का फॉर्म चौदह तक भरा जाना है मे भी डेट बढ़ाई जाए लेकिन उसके भरोसे आपको नहीं रहना है आपको क्या कर देना है फॉर्म भर लेना है और पंद्रह तक आपको कॉलेज में जमा कर देना है अब दूसरी बात कर लेते हैं अगर बारह तक दोस्तों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फॉर्म हो गया और ये लोग इंडिविजुअल कराएंगे तो मुझे लग रहा है दोस्तों बीस से बाईस मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि बीस जुलाई तक ये लोग क्या करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम शुरू करा देंगे क्योंकि मुझे लगता है अच्छा एक और बात है गैप नहीं रहेगा ठीक मैक्सिमम एक दिन गैप संडे की वजह से दे दे तो दे दे अदरवाइज गैप नहीं रहेगा कंटिन्यूस तीन दिन में आपका तीन पेपर ख़त्म हो जाएगा ठीक है गैप की उम्मीद मत करिएगा और ये अच्छी भी बात है अच्छी बात इसलिए कि कुछ बच्चे दूसरे शहर से आते हैं लखनऊ से आते हैं बाराबंकी से आते हैं अयोध्या में तो उनके लिए भाई तीन दिन लगातार पेपर दे देंगे ठीक है दूसरी बात कि अगर बीस से शुरू हो गया ना आप यकीन नहीं मानेंगे इकतीस जुलाई तक या ज़्यादा से ज़्यादा दस अगस्त तक ये लोग आपका रिज़ल्ट दे देंगे रिजल्ट दे देंगे सेकेंड ईयर का बहुत फास्ट काम होता है और इस बार तो और फास्ट हो रहा है तो सेकेंड ईयर यूँ समझिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका सेकेंड ईयर फिनिश कंग्रेचुलेशन सेकेंड ईयर सीरियसली आपका फिनिश हो चुका है अब आपके पास मुझ कैसे सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा सो so, एक बार फिर से सीटेड के बारे में भी बात नहीं हुई थी तो जो लोग सीटेड पेपर दिए हैं मैं आशा करता हूँ पेपर अच्छा हुआ होगा सीटेड के बारे में बता देना कि पेपर कैसा हुआ आपका दूसरी बात सेकंड ईयर आपका फिनिश होने वाला है कुछ मैराथन वीडियोज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक करिएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन आप चेक करिएगा क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिस कंडीशन में हूँ और मैं अभी जहाँ पे हूँ मैं इस बार आपके लिए मैराथन बना पाऊंगा इसके पहले जो वीडियोस बने हैं ना दैट इज इनफ फॉर यू यूज जो भी अवेलेबल हैं दैट्स आर है इनफ फॉर यू आप उसको देखेंगे आपका बहुत अच्छा होगा वहाँ पे पेपर तो आप उसको एक बार विजिट करिएगा बट लेट्स सी मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ मुझे स्टिल आई एम कन्फ्यूज द नेक्स्ट टू एंड थ्री डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी उसके बाद ही डिसाइड कर पाऊँगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा बट एक सीक्वेंस वाइज मैं सीक्वेंस वाइज अगर आप ग्रुप में जुड़े हो तो मैं डेफिनेटली भेजूँगा क्योंकि तीन पेपर है पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ और तीन पेपर का मैं जो सीक्वेंस वाइज वीडियो लिंक होगा वो मैं आपको भेज दूंगा आप वहाँ से देख लेना मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको आप अब आप छोड़ दो मतलब मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक हेलो हाय टाटा बाय जो भी हो लेट्स फिनिश दिस एंड यू हैव अ हार्डली एंड हार्डली एंड हार्डली यू हैव अ टेन डेज दस दिन मतलब मुझे कि आपने कितनी मेहनत करी बी एड सेकेंड ईयर के पूरे सालों में बट इस नाउ यू हैव जस्ट टेन डेज इस दस दिन की मेहनत आपकी मार्कशीट पर छप के आएगी कि आपने क्या मेहनत करी और ये मार्कशीट आपको बताएगा कि आपने सेकेंड ईयर में कितनी मेहनत करी थी आप कितने अच्छे थे पढ़ने में कितना आपने स्कोर गया सो नाओ द नेक्स्ट टेन डेज दैट्स इन उसके ज़्यादा आपके पास है ही नहीं इस सेकेंड ईयर के लिए दस दिन और जीना है सेकेंड ईयर के साथ सेकेंड ईयर के दोस्तों के साथ सेकंड ईयर के पेपर के साथ सेकेंड ईयर के सिलेबस और इस किताब के साथ इस बुक्स के साथ इन शब्दों के साथ इन सब्जेक्ट के साथ इन विषय के साथ नेक्स्ट टेन डेज गिव योर बेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट गिवि योर हंड्रेड परसेंट टू द कॉन्सेप्ट गिव योर हंड्रेड परसेंट टू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर द सीरीज वट वर यू हव स्टडी मटीरियल डू स्टडी डू प्रिपेयर द नेक्स्ट टेन डेज ओनली फॉर यूर सेकंड ईयर नथिंग एल्स छोड़ दो सोशल मीडिया पढ़ा सोशल uh, मीडिया और जो भी दोस्त मस्ती हैं दस दिन के लिए तेक आ, तेक आ, तेक आ, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे बट नाउ इट्स रियली टाइम टू गिव योर हंड्रेड परसेंट टू योर सब्जेक्ट्स राइट तो चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रपेश बाकी कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछना मोस्ट प्रॉबली मैं रिप्लाई करता हूँ अगर नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी बट इंस्टाग्राम पर दिस इज़ माई इंस्टा आई आप मुझे यहाँ से जुड़ के फॉलो कर लेना और यहाँ से पूछ लेना बाकी अभी भी अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो एक बार ग्रुप में जुड़ जाइए वहाँ पे मैं आपको लिंक भेज देता हूँ वहाँ से आप देख लेना पी अवेलेबल होगा टेलीग्राम पर मैं मौर्या जी से बात करता हूँ उनसे हेल्प लेकर मैं पी आपको भेज देता हूँ सो ऑल द वेरी बेस्ट पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए खुश रहिए जय हिंद जय भारत